साथियों, आज हम इस बात की तरफ चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि दुनिया में इतने मजहब हैं, फिर भी इस्लाम के नाम पर जो सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों में आए दिन देखने को मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है। साथियों, कोई न कोई कारण अवश्य है, लेकिन इस कारण की कभी खुलेआम चर्चा नहीं होती। अगर आपने इस कारण को समझ लिया तो इसका समाधान भी आप कर सकते हैं। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं, वो भी इस्लाम के मानने वाले, कि हमारा दीन हमारे लिए और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। साथियों, मैं समझता हूं कि जो इस तरह की बात बोलते हैं, शायद उनको इसका अर्थ भी नहीं मालूम, और अर्थ ना मालूम होने के कारण वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं और इस प्रकार की बातों को लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। वो शायद ये समझ लेते हैं कि जो दीन का मतलब मजहब है और सारे बराबर हैं। लेकिन साथियों, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। दीन का मजहब से कोई अर्थ नहीं है, दीन अलग है और मजहब अलग है, और यही दीन ही एक ऐसी मान्यता है जिसके कारण आप यमन, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे किस्से जगह जगह आप देखते हैं। क्योंकि साथियों, इस्लाम एक दीन है, इसको मजहब मानना बिल्कुल गलत होगा। दीन का मतलब है इस्लाम को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस्लाम एक दीन है। साथियों, दीन अरब का शब्द है, अरबी शब्द है। साथियों, दीन जो है अरब का अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है आज्ञा पालन, जो भी आदेश हैं उनको पालन करना। मजहब का अर्थ पंथ या संप्रदाय से आप लगा सकते हैं। तो साथियों, शब्द मजहब और शब्द दीन में अर्थ के एतबार से बड़ा फर्क है। हालांकि हमारे यहां आमतौर पर इस्लाम को मजहब कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुरान में और हदीस के खजाने में इस्लाम के लिए मजहब शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। सूरह आल इमरान में फरमाया गया कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल दीन तो सिर्फ इस्लाम है। दीन और मजहब में बुनियादी फर्क को आप समझ लीजिए। इस्लाम एक मजहब नहीं है, बल्कि एक दीन है, जिसमें अल्लाह के नाम पर एक जीवन पद्धति है। अब इस हवाले से एक अहम वास्तविकता पर भी गौर कीजिए कि किसी एक भूभाग में एक साथ कई मजहब तो हो सकते हैं, लेकिन दीन एक वक्त में सिर्फ एक ही हो सकता है। साथियों, ये कैसे मुमकिन है कि तानाशाही और लोकतंत्र दोनों एक साथ एक समय में एक ही जगह पर लागू हो जाएं? अल्लाह का जो निजाम है, जो उसकी व्यवस्था है, वह या तो होगा या फिर गैर अल्लाह का निजाम होगा।
निजाम व्यवस्था एक साथ एक जगह पर दो नहीं हो सकती, जबकि भूभाग में एक साथ एक समय में कई मजहब संभव हैं। हां, निजामों व्यवस्थाओं के विषय में एक संभावना पैदा हो सकती है कि एक निजाम व्यवस्था दीन की हो, जो प्रभावशाली हो और वर्चस्व वाला हो, और वही वास्तविक निजाम व्यवस्था कहलाएगा, और दूसरा निजाम व्यवस्था जो मजहब है वो सिमट कर और सिकुड़ कर मजहब की शक्ल ले लेगा और इसके अधीन जीवन जीने पर तैयार हो जाएगा। इस्लाम के सबसे अच्छे दौर में प्रभावशाली निजाम जो व्यवस्था थी वो दीन की व्यवस्था थी, क्योंकि इस्लाम एक दीन है। लेकिन इस दीन के अधीन यहूदियत, ईसाई और दूसरे मजहब की हैसियत से बरकरार थे। उन्हें छूट दी गई थी कि वो इस्लामी सीमा के अंदर रहना चाहते हैं तो उन्हें इस्लाम को दीन स्वीकार करना पड़ेगा और अपने हाथ से जजिया देना होगा और राजी से छोटे बनकर रहना होगा। यहां तक कि वो जजिया दें और अपनी राजी से छोटे बनकर रहें, अल तौबा की 25वीं आप देख सकते हैं। मुल्की कानून अल्लाह का होगा, दीन का होगा, प्रभावशाली निजाम व्यवस्था अल्लाह का होगा। इसके तहत दूसरे छोटे मजहब बनकर, छोटे बनकर अपने पर्सनल लॉ में और अपनी निजी जिंदगी में सीमित अधिकार के तहत सीमित सतह पर वो अगर अपने मजहब और विश्वास और रस्मों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहें तो इसकी उन्हें इजाजत होगी। इस्लाम के पतन के काल में यह सूरत विपरीत हो गई। यूं कहा जा सकता है कि इस प्रायद्वीप में ईसाइयत दीन बन गई। दीन अंग्रेज का था, व्यवस्था अंग्रेज की थी। दीन अंग्रेज के तहत इस्लाम ने सिमट कर एक मजहब की शक्ल अख्तियार कर ली। लेकिन साथियों, यह इस्लाम मजहब नहीं था, यह एक दीन था। दीन वो है जो प्रभावशाली हो, जिसकी सत्ता हो, जिसकी व्यवस्था हो, और अगर किसी व्यवस्था के अधीन है तो वो फिर दीन नहीं रहेगा बल्कि एक मजहब की शक्ल अख्तियार कर लेगा और सिमट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अर्थात दीन जीवन पद्धति की एक पूरी राजनैतिक सत्ता की ही व्यवस्था है और इसी सत्ता के इस्लाम को जिहाद के माध्यम से तलाश किया जाता है। लेकिन साथियों, जब इसे बतलाया जाता है तो इस सच को छिपाया जाता है। अब समस्या यह है साथियों कि भारत में भी लोकतंत्र है, इसलिए कोई भी मजहब दीन की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत में इस्लाम दीन नहीं बन पाया, मजहब बनकर रह गया। लेकिन भारत के लोकतंत्र में सारी मजहबी व्यवस्था जन कल्याणकारी, जन उपयोगी और समानता से रहना ही स्वीकारना होगा। और साथियों, हम उसी बात पर आते हैं जहां से प्रारंभ किया था कि सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों में अगर समस्या ये है
तो समस्या केवल इस्लाम के दीन होने की है, अर्थात वहां पर इस्लाम को सही अर्थों में दीन बनाकर लागू किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है, इस्लाम की सत्ता होगी, इस्लाम की व्यवस्था होगी, और जो दूसरे विश्वासी लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, उसे इस्लाम की दास्ता स्वीकार करना होगा। साथियों, यही इस्लाम की समस्या आज दुनिया में दिखाई देती है। इसके लिए इस्लाम के ही विद्वानों को आगे आना पड़ेगा, परस्पर समानता की बात करनी होगी और पूरी दुनिया में समानता की अलख जगानी होगी। वरना साथियों, ये 6वीं शताब्दी में अरब के परिवेश में ये जो लिखे गए मजहबी किताबें हैं, आज 21वीं सदी में सब कुछ बदल गया है। विज्ञान ने काफी तरक्की की है, और अगर इन किताबों में समयानुकूल परिवर्तन नहीं किया गया तो एक दिन इनमें से जो दकियानूसी विचारधाराएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साथियों, आप दीन नाम के शब्द को जरूर आप समझिए, मनन करिए, किताबें देखिए, अरबी साहित्य पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि क्या इस्लाम की जो दीन की विचारधारा है वही समस्या की जड़ है। अगर आपने इसे समझ लिया, जान लिया, तो ये जनजीवन के कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।